होप सो ऑल आर वेरी गुड. सो गाइज, आई एम बैक विद द न्यू चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज पॉल्यूशन. बच्चों, प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है एंड बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का जो वेटेज है वो बाकी चैप्टर के कंपैरिजनली थोड़ा कम है. तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, ये वाला चैप्टर है या ऐसे जो भी चैप्टर है उसको छोड़ के चले जाते हैं. बट आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है. भले वेटेज कम है बट हाँ, 5 to 6 मार्क्स का तो आता ही आता है और हो सकता है उससे ज़्यादा मार्क्स का भी आ जाए. तो गलती ये नहीं करनी आपको कि आप ये चैप्टर छोड़ के चले जाएँ, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं. तो बिल्कुल भी छोड़ कर जाना नहीं है, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. सो पॉल्यूशन, बेसिकली पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल एयर है, वाटर है, सॉइल है, अब इन सभी चीज़ों में जब किसी ऐसा सब्सटेंस ऐड हो जाता है जिससे इन चीज़ों की जो क्वालिटी होती है वो डाउन हो जाती है और वो यूज़ के लायक नहीं होती है, मींस उसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, तो उसको कहा जाता है पॉल्यूशन. कि जब किसी भी चीज़ में कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड हो जाए जिससे उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए और वो हार्मफुल इफेक्ट दे रही हो, तो दैट इज़ नोन एज पॉल्यूशन. अब आपको पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, अब अगर हम आज के टाइम की बात करें तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है. पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ नई नई चीज़ें बन रही हैं, इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड हो रही हैं, फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, ट्रांसपोर्ट में चेंजेस आ रहा है, व्हीकल्स कितनी सारी बन रही हैं. तो इन सब चीज़ों के होने के साथ साथ जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ता जा रहा है. और अगर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, फिर वो चाहे प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, एक्वेटिक एनिमल्स हों, इवन ह्यूमन बींग्स ही क्यों ना हो, सब पर हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है. तो आज के टाइम पर जो पॉल्यूशन है, दैट इज़ द मेन सीरियस प्रॉब्लम जो आज के टाइम पर सब लोग फेस कर रहे हैं. सो देखिए, पॉल्यूशन इज द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न टाइम ड्यू टू रैपिड एडवांसमेंट इन सेवरल एरियाज सच एज इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल सेटअप, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेशन. अब गाइस, ये जैसे जैसे मॉडर्न टाइम बढ़ता जा रहा है तो उसके साथ साथ जो एडवांसमेंट है वो भी बढ़ता जा रहा है. इंडस्ट्रीज़ बन रही है, फैक्ट्रीज़ बन रही है, एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो गया है, देन थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारी चीज़ें जनरेट हो रही हैं. अब जैसे जैसे ये सारी चीज़ें जनरेट हो रही हैं तो उससे पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है. इट इज़ कॉजिंग डेटोरिएशंस एंड इवन पॉइजनिंग ऑफ द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग एयर, वाटर एंड सॉइल. एयर, वाटर एज वेल एज सॉइल, तीनों टाइप के पॉल्यूशन हो रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें एयर को भी अफेक्ट कर रही हैं, वाटर को भी एंड साथ के साथ सॉइल को भी. इट इज़ पॉजिंग अ सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ अवर सराउंडिंग. जितनी भी सराउंडिंग है हमारे आस पास की, सभी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं और साथ में जो ह्यूमन हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट हो रही है. सो अब आते हैं वेस्ट पर कि वेस्ट क्या है. तो ऑब्वियसली वेस्ट का मतलब क्या हो गया, अब आप खुद सोचिए. वेस्ट का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस जिसका कोई यूज़ नहीं है, है ना, कोई भी यूजलेस सब्सटेंस, दैट इज़ नोन एज ओनली वेस्ट. जिसका कोई पर्टिकुलर अब कोई यूज़ नहीं है, वो अनवांटेड सब्सटेंस है, तो दैट इज़ नोन एज वेस्ट. तो गाइस, वेस्ट की डिफाइन आपको याद रखनी है. वेस्ट क्या है, वेस्ट इज एनी अनवांटेड और अनडिजायर्ड मटेरियल और सब्सटेंस रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, माइनिंग्स एंड एग्रीकल्चर ऑपरेशन फ्रॉम द कम्युनिटी एक्टिविटी. वेस्ट क्या हो गया, वेस्ट कोई भी अनवांटेड या अनडिजायर्ड सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, फिर चाहे वो इंडस्ट्री से ऑप्टेन हुआ हो, कमर्शियल मीन्स हमारे घर से ऑप्टेन हुआ हो, माइनिंग से ऑप्टेन हुआ हो, या फिर एग्रीकल्चर से ऑप्टेन हुआ हो, जिसका कोई भी यूज नहीं है. कोई कम्युनिटी, कोई भी एक्टिविटी से कोई भी सब्सटेंस ऑप्टेन हुआ है जिसका कोई यूज नहीं है, वो सब्सटेंस अनवांटेड है, तो दैट इज नोन एज वेस्ट. विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज, वेस्ट जनरेशन इज बिकमिंग अनमैनेजेबल. अब ऑब्वियसली जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वेस्ट को मैनेज करना भी एक डिफिकल्टी है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वेस्ट का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वेस्ट उससे उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा.
और आपको पता है कि जैसे कि जैसे वेस्ट ऑप्टेन जितना ज़्यादा होता है, तो आज के टाइम पे अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो आपने देखा है कि वेस्ट जो होता है वो ऐसे ही खुला हुआ रहता है ना। बेसिकली इस पैराग्राफ को मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। अब वेस्ट जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, तो अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो वेस्ट होता है वो ऐसे ही खुला हुआ हर जगह पड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर डस्टबिन के अंदर हो, वो डस्टबिन कवर अप हो, ऐसा नहीं होता। खुला हुआ जो वेस्ट है वो ऐसे ही रहता है। अब जैसे ही खुला हुआ वेस्ट रहेगा तो उससे क्या होता है, डिफरेंट टाइप की डिजीजेज होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्लाइज हैं, मॉस्क्यूटोज हैं, देन इसके अलावा कॉकरोचेज हैं, रेड्स हैं, ये सारी चीज़ें उधर बैठती हैं, है ना। वहाँ से ये जो मॉस्क्यूटोज फ्लाइज हैं वो डिजीजेज, जो डिजीजेज कॉजिंग जर्म्स होते हैं, उनको ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिससे डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ होती हैं। एंड इसके अलावा जब रेन होती है, अब आप सोचें कि कहीं पे गार्बेज रखा हुआ है, पड़ा हुआ है और रेन हो रही है, तो क्या होगा, रेन के साथ, रेन वाटर के साथ वो जो गार्बेज है वो फ्लो करेगा, और फ्लो करेगा तो वो सब जगह जाएगा और जो हमारी सराउंडिंग है उसको गंदा करेगा, ठीक है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। अब जो वेस्ट होता है वो दो कैटेगरी के वेस्ट होते हैं, पहला बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एंड गाइस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, प्लस उनके एग्जांपल आपको याद रखने हैं। सो देखिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनको डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोज करने का मतलब उन वेस्ट को वो ब्रोक डाउन कर सकते हैं, वो भी ऐसे सब्सटेंस में जो कि हार्मलेस सब्सटेंस है। मीन्स ये वेस्ट वो होते हैं जिससे कोई नुकसान नहीं होता और पॉल्यूशन भी नहीं होता। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दो सब्सटेंसेज विच कैन बी ब्रोकन डाउन by microorganism into harmless and non-toxic substances। तो ये वो waste है जो कि microorganism break down कर सकते हैं इन्हें, वो भी किस में, harmless and non-toxic substances में। अब इसमें क्या क्या example आ जाते हैं, these include animal and agriculture waste। इसमें animal and agriculture waste आ जाता है, जैसे कि dungs हो गए, cow dungs वगैरह होते हैं, जो भी animal के dung होते हैं। इसके अलावा leaves हैं, kitchen का left over waste होता है, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो ये waste वो waste होता है जिससे microorganism डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज कर इन्हें हार्मलेस और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट हो गए जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते तो ये जो वेस्ट होते हैं ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं, और ये हार्म वाले भी होते हैं। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दो सब्सटेंसेज दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, प्लास्टिक आ जाती है, आपको पता है कितनी ज़्यादा ही प्लास्टिक होती है जो कि पॉल्यूशन कॉज करती है। देन स्टायरोफॉर्म, गाइस बेसिकली स्टायरोफॉर्म क्या होता है, जो आपका थर्माकोल होता है, थर्माकोल वाले आइटम्स होते हैं ना, फूड पैकेजिंग में यूज करे जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्टायरोफॉर्म। इसके अलावा मेटलिक कैंस होती है, मेटल की डिफरेंट टाइप की कैंस होती हैं, ग्लास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसको ई वेस्ट कहा जाता है। गाइस यहाँ पे आपको ई वेस्ट कि यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, दैट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ई वेस्ट। तो याद रखें, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, रिमोट हो गए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, तो वो सब इसी में ही आ जाते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ दिस वेस्ट रिजल्ट इन पॉल्यूशन। गाइस जैसे जैसे ये वाला जो वेस्ट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा होता रहता है, तो उससे पॉल्यूशन कॉज होता है। चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ आते हैं व्हाट इज पॉल्यूशन, कि पॉल्यूशन क्या है। सो पॉल्यूशन इज द एडिशन ऑफ एनी सच कॉन्स्टिट्यूएंट टू एयर, वाटर और लैंड विच डेटोरिएट्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट। मीन्स पॉल्यूशन क्या हो गया, पॉल्यूशन का मतलब कि किसी भी चीज़ में, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या लैंड हो, जब इन तीनों चीज़ में कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड हो जाए जो हमारा नेचर की, हमारे जो सराउंडिंग है, मीन्स एयर है, वाटर है, लैंड है, इसकी क्वालिटी को ख़राब कर रही है। डेटोरिएट्स का मतलब होता है वर्स करना, ख़राब करना,
है ना, तो दैट इज नोन एज पॉल्यूशन, की जब इन चीज में कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड हो जाता है जिससे इसकी क्वालिटी और बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो दैट इज नोन एज पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन कॉज कौन करता है, तो पॉल्यूशन कॉज करते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स की डिफाइन भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सो पॉल्यूटेंट्स क्या हो गए, तो पॉल्यूटेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। अब जैसे एयर है, वाटर है, लैंड है, तो इनमें कुछ सब्सटेंस ऐड होते हैं, तो वही जो सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं जो पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, दैट आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स इज एनी सच कॉन्स्टिट्यूएंट विच कॉजेज पॉल्यूशन। अब जो पॉल्यूशन है, बेसिकली फाइव टाइप की पॉल्यूशन होती है, फर्स्ट एयर पॉल्यूशन, सेकंड वाटर पॉल्यूशन, देन सॉइल पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। तो ये फाइव टाइप की पॉल्यूशन है जो कि हमें पढ़नी है। सो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन। अब ऑब्वियसली एयर पॉल्यूशन मतलब वर्ड सुनकर हमें पता चल रहा है कि एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है, कि एयर में कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड हो जिससे एयर की जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है और सबको हार्म हो रहा है, तो दैट इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। सो एयर पॉल्यूशन मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ द एयर क्वालिटी विच हार्मफुली अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज सर्टेन ऑब्जेक्ट। मीन्स एयर पॉल्यूशन क्या हो गया, कि एयर की क्वालिटी खराब हो रही है, एयर में कोई ऐसे सब्सटेंसेस ऐड हो रहे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म कर रहे हैं, इसके अलावा और भी डिफरेंट सब्सटेंसेस है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको भी हार्म कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। नाउ एयर पॉल्यूशन मेनली टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड है, फर्स्ट है गैशियस पॉल्यूशन एंड सेकेंड है पार्टिकुलेट्स पॉल्यूशन। देखिए गैशियस पॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, कि जब एयर में हार्मफुल गैसेस ऐड होती हैं और उस वजह से पॉल्यूशन होता है, तो दैट इज नोन एज गैशियस पॉल्यूशन। और पार्टिकुलेट्स पॉल्यूशन क्या हो गया, पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जब एयर में ऐड होते हैं उस वजह से पॉल्यूशन होता है, तो दैट इज नोन एज पार्टिकुलेट पॉल्यूशन। गैसेस में आप पता है गैसेस क्या होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये सारी क्या हो गई, गैसेस हो गई। और पार्टिकुलेट्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट्स का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल्स, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जो कि पॉल्यूशन कॉज करते हैं, जो एयर में ऐड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल बात कर रही हूँ मैं, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जब एयर में ऐड होते हैं तो पॉल्यूशन कॉज होता है, तो वो किस में आ जाएंगे, पार्टिकुलेट पॉल्यूशन में आ जाएंगे। सो गैशियस पॉल्यूशन क्या हो गया, हार्मफुल जो गैसेस होती है गिवन आउट फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेस। इसमें हार्मफुल गैसेस जो कि डिफरेंट सोर्सेस से रिलीज हो सकती हैं, आपके व्हीकल से रिलीज हो सकती हैं, फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, इन सब जगहों से रिलीज होती हैं और एयर में ऐड होती हैं, तो वो कौन सा पॉल्यूशन कॉज करती है, गैशियस पॉल्यूशन। देन पार्टिकुलेट पॉल्यूशन में क्या आ जाता है, पार्टिकल्स सच एज दोज ऑफ डस्ट पार्टिकल हो गए, स्मोक हो गया, स्मोक में भी पार्टिकल्स होते हैं, माइनिंग्स हो गई, है ना, बड़ी बड़ी माइनिंग्स होती हैं जहाँ पे खुदाई होती है, तो वहाँ पे भी पार्टिकल्स होते हैं। देन स्टोन ड्रिलिंग, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े स्टोन है उसको ड्रिल करा जाता है, तो वो स्टोन जब ड्रिल होता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। देन वेयरिंग ऑफ रबर टायर्स, गाइस रबर टायर्स आपने देखा है कि जब व्हीकल्स चलती हैं तो व्हीकल्स में जो टायर्स होते हैं वो घिसते हैं, और टायर जब घिसकर चलते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे रबर के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे बट एक्चुअल में जब व्हीकल चल रही है एकदम तेज स्पीड से जब व्हीकल चलती है तो जो रबर के टायर्स होते हैं उसमें से छोटे छोटे रबर के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जो कि अगेन पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, पार्टिकुलेट्स पॉल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब देखिए एयर पॉल्यूशन किस वजह से होता है, तो एयर पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो नेचुरल सोर्स भी हो सकते हैं या फिर मैन मेड सोर्स भी हो सकते हैं। नेचुरली मतलब खुद भी एयर पॉल्यूशन हो सकता है नेचुरली, और मैन मेड के थ्रू भी हो सकता है। सो नेचुरल सोर्सेज पर आते हैं सबसे पहले, तो नेचुरल सोर्सेज में एग्जाम्पल आ जाएगा ऐश फ्रॉम बर्निंग वॉल्केनोज। अब आपने देखा है वॉल्केनो इरप्शन होता है तो उधर से गैसेस भी रिलीज होती हैं, इसके साथ साथ ऐश प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ से एयर पॉल्यूशन हुआ। इसके अलावा डस्ट फ्रॉम स्टोम्स, जब बहुत तेज आंधी चलती है तो आपने देखा है पूरे में डस्ट उड़ने लगती है, और डस्ट उड़ती है तो ऑब्वियसली एयर पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट फायर लगती है, गाइस जो फॉरेस्ट फायर होती है वो भी खुद ही लगती है, तो फॉरेस्ट फायर की वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है।
दीज पॉल्यूटेंट्स आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल एंड विल कंटिन्यू टू अकर. अब ये जो नेचुरल सोर्सेज हैं एयर पॉल्यूशन के, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ऑब्वियसली ये ह्यूमन कंट्रोल के बिल्कुल बाहर है, तो ये तो होता ही रहेगा क्योंकि ये नेचुरली हो रहा है, तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. नाउ नेक्स्ट है मैनमेड सोर्सेस, जो कि ह्यूमंस के थ्रू कैसे पॉल्यूशन हो रहा है. तो मैनमेड सोर्सेस में आपके व्हीकल्स आ जाते हैं, मतलब जो ऑटोमोबाइल्स, जितने भी कार है, बस है, स्कूटर है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. देन इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, गार्बेज ब्रेक किन्स आ जाती हैं. गाइस ये सारी चीज़ें, प्लस इसके अलावा फैक्ट्रीज भी आप ले सकते हो, ये सारी चीज़ें ह्यूमंस ने बनाई है. तो ऑब्वियसली ये इनसे जो पॉल्यूशन हो रहा है वो मैनमेड सोर्सेज हो गए ये सारे, क्योंकि ये सारे जो सोर्सेज हैं वो ऑब्वियसली मैनमेड हैं. देन दीज आर द फोर मेजर सोर्सेज विच डू अ ग्रेट एक्सटेंट टू अंडर ह्यूमन कंट्रोल एंड द मैथड ऑफ कंट्रोलिंग दैम आर बीन डेवलप्ड. अब क्या है, ये जो चार सोर्सेज हैं, व्हीकल्स, देन इंडस्ट्रीज, गार्बेज एंड ब्रेकिंस, ये चारों चीज़ें मैनमेड सोर्सेज हैं. अगर मैन चाहें तो इन चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं और डिफरेंट मैथड्स भी प्रोड्यूस, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. हाँ, धीरे धीरे करके डिफरेंट मैथड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिससे ये सारी चीज़ें पॉल्यूशन कम कॉज करें, है ना. सो सबसे पहले आते हैं किस पे, व्हीकुलर एयर पॉल्यूशन, मींस जो व्हीकल से एयर पॉल्यूशन होती है, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनसे जो एयर पॉल्यूशन हो रही है. सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ व्हीकल्स, आपको पता है डिफरेंट टाइप की व्हीकल्स हैं, मोटर कार्स, ट्रक्स, बसेस, स्कूटर, ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल, रेलवे इंजन एक्सेट्रा. ऑब्वियसली बहुत सारे टाइप की व्हीकल्स हैं, दे आर मोस्टली रनिंग ऑन पेट्रोल एंड डीजल. और ऑब्वियसली जितने भी मोस्टली जो व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल और डीजल से ही चल रहे हैं. द एग्जॉस्ट गिवन आउट कंटेन थ्री गैस, मेन गैशियस पॉल्यूटेंट. अब क्या होता है, उनमें से जो स्मोक निकलता है उसमें मेन थ्री गैशियस पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं, और ये तीनों गैशियस पॉल्यूटेंट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ये तीनों गैशियस पॉल्यूटेंट है जो कि व्हीकल से रिलीज होते हैं, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं. देन इसके अलावा साइमल्टेनियसली देयर इज द वेयरिंग ऑफ रबर टायर, जो कि मैंने अभी आप लोगों को भी बताया था कि जब व्हीकल चलती है तो जो रबर के टायर्स होते हैं वो घिसते हैं, और जब रबर के टायर घिसते हैं तो उससे क्या होता है, जो छोटे छोटे रबर के पार्टिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं ऑफ द ऑटोमोबाइल, रिलीजिंग रबर पार्टिकल एंड फर्दर द स्पीडिंग व्हीकल्स ऑल्सो रेज द रोड डस्ट पार्टिकल. आप सोचिए, आप एकदम स्पीड से व्हीकल चल रही है तो आपने देखा है जो रोड पे जो डस्ट होती है वो भी उड़ती है, तो अगेन उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है. सो यू मस्ट ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ डस्ट रेज व्हेन द रोड क्लीनर स्वीप्स द रोड एवरी मॉर्निंग. ऑब्वियसली जब रोड साफ करते हैं तो आपने देखा कितनी ज़्यादा डस्ट उड़ती है, तो उससे भी पॉल्यूशन होता है. सो ये हो गया व्हीकुलर एयर पॉल्यूशन. अब इसका कंट्रोल क्या है, कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल याद रखना आपको. फर्स्ट है एफिशिएंट इंजन यूज़ करके, मींस जो ऑटोमोबाइल्स में इंजन यूज़ हो रहा है वो ऐसा इंजन होना चाहिए जो ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज ना करे. देन गुड क्वालिटी ऑटोमोबाइल फ्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप फ्यूल यूज़ कर रहे हो उस ऑटोमोबाइल में तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज ना कर सके. देन लेड फ्री पेट्रोल यूज़ होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल में अगर लेड होता है तो वो पॉल्यूशन करता है ना. तो आज के टाइम पे मोस्टली जो पेट्रोल यूज़ करा जाता है वो लेड फ्री ही होता है. देन ग्रेटर यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. गाइस यहाँ पर आपको CNG की फुल फॉर्म याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछी जाती है, तो दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो आपने देखा है कि मोस्टली जो ऑटोज होते हैं वो CNG पे चलते, CNG वाले ऑटो होते हैं, तो दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का ज्यादातर यूज करना चाहिए. तो ये फोर जो कंट्रोल है दैट इज इंपॉर्टेंट. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. नाउ आते हैं इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन पे, कि इंडस्ट्री से एयर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है. तो आपको पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज ओपन हो रही है, और इंडस्ट्रीज ओपन हो रही है तो इंडस्ट्री से कितना ज़्यादा स्मोक रिलीज होता है. स्मोक में डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, गैसेस के साथ साथ डिफरेंट ऐश पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि पॉल्यूशन कॉज करते हैं. सो द होल वर्ल्ड इज़ अंडरगोइंग एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ऑब्वियसली कितनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं.
इट रेंजेस फ्रॉम स्मॉल स्केल, अब जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी होती हैं और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी होती हैं। तो यहाँ पे आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल याद रखने कौन कौन सी होगी, पॉटरी एंड कारपेट वेविंग, जहाँ पे पॉट्स बनते हैं तो वो होगी पॉटरी, और जहाँ पे कारपेट वेविंग, जहाँ कारपेट बनाए जाते हैं, तो वो सारी इंडस्ट्रीज कौन सी होगी, स्मॉल स्केल वाली इंडस्ट्रीज हो गई। इसके अलावा बहुत सारी ह्यूज इंडस्ट्री, बड़ी वाली इंडस्ट्रीज भी होती हैं, जैसे शुगर फैक्ट्री हो गई, क्लोथ फैक्ट्री हो गई, मेटल फैक्ट्री हो गई, देन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, ड्रग्स मैन्युफैक्चरर हो गए, मेडिसिन जहाँ पे बन रही हैं, देन ऑयल रिफाइनरीज हो गई। तो ये सारी इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, बड़ी वाली इंडस्ट्रीज होती हैं। तो यहाँ पर आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल याद रखना है, अगेन इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि टू एग्जाम्पल बताइए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, तो वो उसमें आप क्या लिखोगे, पॉटरी एंड कारपेट वेविंग, या टू या थ्री एग्जाम्पल बताइए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वाले, तो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, शुगर फैक्ट्री हो गई, मेटल फैक्ट्री हो गई, देन ड्रग मैन्युफैक्चर हो गया, एंड ऑयल रिफाइनरीज हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। दे गिव आउट ऑल काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट्स, अब क्या होता है, ये जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ से बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, मीन्स जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो उसमें ऐड होते हैं, एयर में ऐड होते हैं और पॉल्यूशन कॉज करते हैं। जो चीफ इंडस्ट्रियल गैशियस पॉल्यूटेंट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेन ये तीनों गैसेस वही वाली गैसेस हैं जो कि व्हीकल से पॉल्यूशन कॉज कर रही थी, और सेम यही तीनों गैसेस इंडस्ट्री से भी करती है, प्लस इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, डिफरेंट नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी पॉल्यूशन कॉज करते हैं। क्लियर। नाउ द स्मोक रिलीज बाय द फैक्ट्री चिमनी इनटू द एयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, अब जो स्मोक रिलीज होती है इंडस्ट्रीज में, जो चिमनी होती है वहां से जो स्मोक रिलीज हो रही है, तो उसमें पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो पार्टिकुलेट पॉल्यूशन भी यहाँ पर हो रहा है। तो आपको याद रखना है इंडस्ट्री से भी पार्टिकुलेट पॉल्यूशन भी होता है और गैशियस पॉल्यूशन भी होता है, सेम जो आपका व्हीकल्स थे, ऑटोमोबाइल्स थे, उससे भी गैशियस एज वेल एज पार्टिकुलेट पॉल्यूशन दोनों ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। स्टोन ड्रिलिंग एंड माइनिंग कोल मेटल एसेक्ट्रा, आपने देखा होगा स्टोन ड्रिलिंग, जहाँ पे जो स्टोन है उसे तोड़ा जाता है स्मॉल स्मॉल पीसेस में, और जो माइनिंग्स होती हैं जैसे कोल है, जहाँ कोल ऑप्टेन होता है, जहाँ से डिफरेंट टाइप के मेटल्स ऑप्टेन्स होते हैं, प्रोड्यूस फाइन पार्टिकल, अब वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, विच कॉजेस सीरियस हेल्थ हजार टू द लेबर्स इन्वॉल्व, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें बहुत सीरियस उस चीज़ की बीमारी हो सकती है, क्यों, क्योंकि वो मतलब वो अपना आधा से ज़्यादा टाइम उधर ही वो बिताते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में, तो ऑब्वियसली वो पार्टिकल्स उनकी बॉडी के अंदर जाएंगे, और बॉडी के अंदर जाएंगे वो ऑब्वियसली ब्रीथ करेंगे, तो लंग्स को वो पार्टिकल्स अफेक्ट करते हैं, तो उन्हें अस्थमा की बीमारी या डिफरेंट जो डिजीजेस होती हैं वो हो जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं स्मॉग पर, गाइस अगेन दिस स्मॉग वाला जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज स्मॉग, तो स्मॉग क्या हो गया, स्मोक प्लस फॉग, मीन्स आपने देखा है सर्दियों के टाइम पे जो कोहरा हो जाता है एक्चुअल में वो फॉग नहीं है टोटली, वो स्मॉग है, क्यों, क्योंकि फॉग में स्मोक मिल जाता है, क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है तो स्मोक रिलीज होता है, वही स्मोक जो फॉग फॉर्म होता है विंटर सीजन में उसके साथ मिल जाता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, स्मॉग फॉर्म करता है। तो द स्मोक रिलीज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज में गेट मिक्स विद द डस्ट पार्टिकल एंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फॉग, जो फॉग की ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उससे वो स्मोक एडअप हो जाती है, मिल जाती है, और क्या प्रोड्यूस करती है, स्मॉग प्रोड्यूस करती है। देन स्मॉग इज हार्मफुल टू प्लांट, अब जो स्मॉग है वो प्लांट के लिए भी हार्मफुल है, और अगर हम इसको इनहेल कर लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए भी हार्मफुल है, क्यों, क्योंकि अस्थमा कॉज करती है, डिफरेंट टाइप की एलर्जीज हो जाती हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, अब आते हैं बर्निंग गार्बेज, अब देखिए
जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जो गार्बेज ऑब्टेन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग उस गार्बेज को जला देते हैं, और जब गार्बेज ऑब्वियसली जलाएंगे तो उससे क्या होगा, स्मोक रिलीज होगी, उसमें अगेन गैशियस पॉल्यूटेंट्स होंगे। गैशियस पॉल्यूटेंट के अलावा भी उसमें छोटे 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 जो ऐश के पार्टिकल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होंगे, तो उससे पार्टिकुलेट पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो देखिए, द गार्बेज मेनली कंसिस्ट ऑफ आइटम्स सच एज स्पिलिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, शेल्स, टेकिंग ऑफ ऑफ ड्राई फ्रूट्स, वॉशिंग ऑफ पर्सेस, राइस एक्सेट्रा। जितना भी गार्बेज होता है उसमें क्या होता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके जो शेल्स होते हैं, उनके अगेन जो छिलके होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, प्लस जो दालें होती हैं, राइस होते हैं, उनको जब वॉश करते हैं तो उनका लेफ्ट ओवर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एंड जो फूड जो खाना जो बच जाता है वो भी उसमें चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब सच वेस्ट इज ईदर यूज्ड, अब ये वाला जो वेस्ट है वो कॉम्पोस्टिंग में यूज करा जा सकता है। कॉम्पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, मैन्योर बनाने में इन वेस्ट का यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये जो वेस्ट है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, ये इन वेस्ट को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ऐसे जो वेस्ट होते हैं ये कॉम्पोस्टिंग में यूज कर सकते हैं। कॉम्पोस्टिंग मतलब जो मैन्योर बनता है, जिसको हिंदी में खाद कहते हैं, जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाता है, तो उसमें ये यूज किया जा सकता है मैन्योर बनाने में। और बर्न इन स्पेशल इन्क्लोजर, या फिर एक बड़े से एक स्पेशल टाइप का इन्क्लोजर होता है, जिधर उसके अंदर जितना भी वेस्ट है उसमें डाल दिया जाता है, उधर उसको जला दिया जाता है ना। ऑन बर्निंग द गार्बेज, अब जब गार्बेज को बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, इसके अलावा डिफरेंट गैसेज और रिलीज होंगी, एंड सम हार्मफुल गैसेज टू, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी रिलीज हो सकती है। द स्मोक गिवन आउट एट टू द पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन, अब साथ में जो स्मोक रिलीज हो रही है उसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, तो ऑब्वियसली वो एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो बजाय इन ऐसे वेस्ट को जलाने के, इन वेस्ट को मैन्योर बनाने में यूज कर लिया जाना चाहिए, ताकि पॉल्यूशन कॉज ना हो सके। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ लास्ट है ये कि एयर पॉल्यूशन जो ब्रिक किन से होती है, दिस इज द लास्ट टॉपिक। अब ब्रिक किन्स क्या होता है, तो गाइस ब्रिक किन्स का क्या मतलब है, ब्रिक का हिंदी में आप सभी को पता होगा, जिसको ईटे कहते हैं, और किन्स का मतलब क्या हो गया, भट्टियाँ, है ना। आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की जो हिंदी में बोला जाता है, भट्टियाँ अगर आप लोगों ने सुना हो, है ना, तो उसको कहा जाता है ब्रिक किन्स। अगर आप सिटी के बाहर एरिया साइड जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ सी होती हैं, मैं आपको बताती हूँ किस टाइप की होती है, इस टाइप की बड़ी बड़ी भट्टियाँ सी होती हैं, और जिसके ऊपर से एक होल होता है जहाँ से स्मोक रिलीज होती है ना, तो उसको कहा जाता है ब्रिक किन्स, ठीक है। ये जो ब्रिक किन्स होते हैं इसमें से बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज होती है, स्मोक रिलीज होने के साथ साथ डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स भी फॉर्म होते हैं जो कि पॉल्यूशन कॉज करते हैं। और बेसिकली ब्रिक किन्स में क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन के लिए हम ब्रिक्स यूज़ करते हैं वो ब्रिक्स इसके अंदर बनाई जाती हैं, तो जब उन ब्रिक्स का फॉर्मेशन होता है तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मीन्स उन इसके अंदर सब्सटेंसेस डाले जाते हैं, उनको जलाया जाता है, उसमें से स्मोक रिलीज होती है, कुछ दिनों तक उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और तब जाके ब्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। सो देखिए, द ब्रिक किन्स आर फायर हीटेड एनक्लोजर फॉर मेकिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स। ऑब्वियसली जो ब्रिक किन्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक एनक्लोजर होता है, एक बड़ा सा इस टाइप का एनक्लोजर होता है, इस टाइप का होता है इंक्लोजर, जिसके अंदर ब्रिक्स का फॉर्मेशन होता है, जो कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक्स यूज करते हैं उसका फॉर्मेशन होता है, और ये फायर हीटेड होते हैं, मींस इसके अंदर आग जलाई जाती है। देन रॉ मॉइस्ट क्ले ब्रिक्स आर अरेंज इन द हीप्स। अब क्या है, ये जो चीज बनी हुई है ये किससे बनी हुई है, रॉ जो मॉइस्ट क्ले होती है ना, जो क्ले ब्रिक्स होती हैं मॉइस्ट एकदम घीली वाली, उससे ये ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, और इसको ऐसे हीप्स में अरेंज कर दिया जाता है, प्लस इसके बीच में क्या लगाई जाती है, फायरवुड्स, ताकि अच्छी तरह वो आग को पकड़ सके, एंड देन कवर्ड बाय द लेयर्स ऑफ सम स्पेशल मड मिक्सचर टू कंटेन द बर्निंग फ्लेम इनसाइड। और इसके साथ साथ इसमें बीच में मड का मिक्सचर भी डाल दिया जाता है, ताकि अच्छी तरह फायर इसके अंदर लग सके। दिस सेटअप इज लेफ्ट फॉर द फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए सेटअप को एज इट इज छोड़ देते हैं, देन द स्मोक कलेक्टेड इनसाइड रिलीज
थ्रू द होल. अब मैंने आपको बताया था ऊपर की साइड पे एक बड़ा सा होल होता है, तो जितनी भी स्मोक होती है वो इस होल से बाहर निकलती है. ऑन ओपनिंग द ओरिजिनल मड कलर्ड ब्रिक्स आर फाउंड टू बी रेड. अब क्या होता है, जब ये प्रोसेस हो जाता है तो देखा जाता है कि जो रॉक्स होती हैं, जो ब्रिक्स होती हैं, वो एकदम रेड कलर की हो जाती है. नॉर्मली आपने देखा है कंस्ट्रक्शन वाली जो ब्रिक्स होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, तो इसके अंदर ही वो रेड ब्रिक्स का फॉर्मेशन हो जाता है. एंड देयर इज़ अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ऐश. और प्लस इसके अलावा जब ब्रिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा अंदर की साइड पर ऐश प्रेजेंट होता है. द वेस्ट प्रोड्यूस आर लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ऐश एंड ब्रोकन ब्रिक्स बिट्स. अब क्या होता है, जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ऐश है, साथ में जो ब्रिक्स प्रोड्यूस होनी है उनके छोटे छोटे पीसेस होते हैं. दीज आर पॉल्यूटेंट्स विच आर ईदर समहाउ री यूज और जस्ट डम्प्ड. लॉट ऑफ स्मोक एंड हीट गिवन आउट आर दी पॉल्यूटेंट्स. अब क्या होता है, ये जो ऐश प्रोड्यूस हो रहा है, स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स के पीसेस प्रोड्यूस होते हैं, या तो इसे कहीं पे गाड़ दिया जाता है और ऐसे ख़त्म कर दिया जाता है ना, या फिर क्या होता है, मेनली क्या होता है, ये जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं और पॉल्यूशन को कॉज करते हैं. क्लियर? सो गाइस, इससे इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है. सो ये एयर पॉल्यूशन वाला टॉपिक ख़त्म हो गया. और ये जितने भी हमने यहाँ पे सोर्सेज पढ़े थे, ये मैनमेड सोर्सेज पढ़े थे. व्हीकल्स वाला सोर्स मैनमेड था, इंडस्ट्रीज एंड गार्बेज को जो जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, इसके अलावा ब्रेकिंग्स. तो ये चारों जो सोर्सेज पढ़े थे ये मैनमेड सोर्सेज थे जो कि एयर पॉल्यूशन करते हैं. चलिए अब गाइस, अब क्वेश्चन करते हैं जिससे देखते हैं आप लोगों को कितना आया है, तो आपका प्रोग्रेस चेक करते हैं. सो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाला. पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स आर वन एंड द सेम थिंग. क्या पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट एक ही चीज़ है? नहीं, पॉल्यूशन अलग है एंड पॉल्यूटेंट्स अलग हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स. ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा आपका फॉल्स. नेक्स्ट है रबर टायर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू पार्टिकुलेट्स पॉल्यूशन. येस, जो रबर टायर्स होते हैं वो पार्टिकुलेट पॉल्यूशन कॉज करते हैं, क्योंकि उधर से छोटे छोटे रबर के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं. तो सेकेंड वाला हो जाएगा आपका ट्रू. नेक्स्ट, द चीफ गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. येस गाइस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. जो चीफ एयर पॉल्यूशन, जो गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं. नेक्स्ट है किचन गार्बेज एंड लेफ्ट ओवर इन फूड डिशेस कैन बी यूज फॉर मेकिंग मैन्योर. येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. जो किचन का गार्बेज होता है और जो लेफ्ट ओवर डिशेज, जो खाना बच जाता है, हम उसको मैन्योर बनाने में यूज़ कर सकते हैं. मैन्योर मतलब क्या हो गया, खाद, जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाता है, तो उसको बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा ट्रू. नेक्स्ट है ब्रिक किन्स गिव आउट बोथ गैशियस एंड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स. येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. जो ब्रिक किन्स होते हैं उसे गैशियस पॉल्यूटेंट्स तो रिलीज होते ही होते हैं, क्यों, क्योंकि स्मोक रिलीज होती है, तो द गैशियस पॉल्यूटेंट भी हुए. साथ में जब लेफ्ट ओवर रह जाता है तो उसमें एशेज होते हैं, और जो ब्रिक्स है उसके स्मॉल स्मॉल पीसेज होते हैं, तो उससे पार्टिकुलेट पॉल्यूशन भी होता है. ठीक, सो ये हो गया ट्रू फॉल्स. नेक्स्ट आते हैं नेम एनी फोर वेज टू कंट्रोल व्हीकुलर एयर पॉल्यूशन. गाइस, चार तरीके कंट्रोल करने के व्हीकुलर एयर पॉल्यूशन के, जो मैं आपको पीछे यहाँ पे बता चुकी हूँ चारों तरीके. सो ये मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो याद रखिएगा, एफिशिएंट इंजन, गुड क्वालिटी ऑटोमोबाइल फ्यूल्स, देन लेड फ्री पेट्रोल एंड यूजिंग ऑफ कंप्रेस नेचुरल गैस दैट इज CNG. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेम एनी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दैट कैन बी द सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताई थी, पॉटरी एंड कारपेट वेविंग. दीज टू आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स. दो एग्जाम्पल देने आपको गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स के, तो एक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आप लिख सकते हैं, तो वो भी गैशियस में ही आ जाएगा. क्लियर हो गया? सो गाइस, ये एक टॉपिक आपका खत्म हो गया इस चैप्टर का, डैट इज एयर पॉल्यूशन. यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई है उसको याद कर लीजिएगा. बेसिकली थ्योरी वाला चैप्टर है, तो आपको ऑब्वियसली चीज़ें याद करनी पड़ेगी, बट हाँ, बहुत सिंपल है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं इसमें, है ना. सो गाइस, अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तो तब तक के लिए बाय बाय.